मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा बनकर बह रही एशिया महाद्वीप की प्रदूषण मुक्त नदी चंबल के 435 किलोमीटर क्षेत्र को घड़ियाल अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद नदी के घाटों से रेत का उत्खनन सरकार व उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी बीते चार दशकों से निरंतर अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए मंडला जिले के वन, राजस्व, खनिज, पुलिस व प्रशासन का टास्क फोर्स भी बनाया गया है। इस टास्क फोर्स पर कई बार हमले हो चुके हैं। शिकारपुर रेलवे के फाटक पर अवैध परिवहन कर रहे रेत के भरे वाहनों को पकड़ने के लिए गए वन अमले पर वाहन चालक और उनके सहयोगियों ने पथराव किया। वन कर्मी पवन शर्मा घायल हो गया है। इस घटना से क्षेत्र में भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है। इसी बीच ट्रैक्टर ट्राली लेकर चालक भाग गए। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। हमलावरों के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। मुरैना से संवाददाता की रिपोर्ट। ये हमारा गश्ती दल जो है गश्ती पे साथ है और शिकारपुरा गांव के पास पे बहुत से ट्रैक्टर ट्रॉली रहे थे, अवैध उत्खनन के लिए जिसके ला रहे थे, तो उनको पकड़ने का जो हमारे स्टाफ ने कार्रवाई की है, तो कार्रवाई में जो है अवैध उत्खनन की तरफ से उनको पत्थरबाजी की गई थी, उनको हमारा एक कर्मचारी के सिर में काफ़ी चोट आई है और उसका इलाज चल रहा है। और इस घटना में हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर अभी भरी हुई जब्त की है, जब्त करके डिपो में हमने उनको रख दिया है। इसकी पुलिस ने पलिया और अपराधी के खिलाफ आगे कार्रवाई करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने आगे सोच के रेत माफियों से मैंने एक ट्रैक्टर चोरी पकड़ा था, उसमें रेत माफियों द्वारा उन्होंने पत्थरबाजी की, उसमें हमारा पवन शर्मा है घायल है, जिस तरह छोटा है उसको लेकर आए। पत्थर मार दिया, ट्रैक्टर पर था तो उन्होंने बाइक से लॉन्ग साइड से आए और पत्थर मार दिया।